गुड मॉर्निंग। तो किया आया था ये। ओ माय गॉड, -5। आज तो मर जाएंगे हम लोग। और सनराइज हो रहा है 7:41 पर। ओके, कुछ ज्यादा सारे कपड़े पहनते हैं ताकि ठंड से बच सकें। जितनी ज़्यादा सर्दी है ना, इस सर्दी में मैंने अभी प्लान किया है कि मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम 2 सॉक्स पहनूंगा। और क्योंकि ठंड के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और सनराइज़ के मुतालिक मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि आज का सनराइज़ अब तक की पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत सनराइज़ होने वाला है। लेट्स सी, चलते हैं। वी आर गेटिंग लेट। ज़्यादा से ज़्यादा 5:50 तक की वार्निंग दी गई थी कि अगर आप 5:50 से लेट होते हैं तो आप को यहाँ ही छोड़ के चले जाएंगे। और बाकी गाड़ी भी आ चुकी है। छोड़ के जाने का मकसद यह है कि आपकी हॉट बलून की राइड आप खो देंगे, जिसकी टिकट है 60 यूरो की, और गाड़ी ये है। ये फैसल भाई जैसे लोग अच्छे। हम बाद में कर लेंगे भाईजान, पहले अपना स्टोरी बननी चाहिए। फैसल भाई ने अब्दुल हादी है ना, जो छोटा फैसल भाई का बेटा, उसकी कैप पहन के आए हैं। फैसल भाई ने कहा बच्चे की कैप पहनूंगा लेकिन सर्दी के मामले में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। ये पहनकर मुझे भी यही महसूस हो रहा है जैसे वो जिनकी गर्दन नहीं टूटी होती है। वैसे ही कुछ महसूस हो रहा है। आपने ऊपर से तो कवर कर लिया अब्दुल हादी की कैप पहन के, ये जिपर ही बंद करनी। खुली है यार भाई। एफिडेविट पे साइन करा रहे हैं कि हां, वो कह रहे हैं अगर बलून के साथ आप उड़ गए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आप समझ लो हम लोग गए हैं लेकिन तकरीबन आधे घंटे से गाड़ी भी बैठे हैं। आई थिंक हमें थोड़ा जल्दी ले आए हैं ये लोग। इसी के साथ हमारी बलून राइड शुरू होने लगी है। अभी ये इसमें हवा भर रहे थे और हवा भरने के बाद आई डोंट नो, मुझे तो इसके प्रोसीजर का भी नहीं पता और ना ही कभी पढ़ा, लेकिन हमारा चूँकि फर्स्ट टाइम है लेकिन वी आर सो एक्साइटेड फॉर दिस। और कमल भी, कमल आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? बहुत ज़्यादा। और ठंड से हाथ पाँव बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं और ऊपर जाके तो हमारा बहुत बुरा हाल होगा। आ चुके हैं और ऊपर से एक्साइटेड और ठंड। मुझे लगता है अंदर आके थोड़ी ठंड कम हो गई है क्योंकि यहाँ पे आग जलेगी तो थोड़ा सुकून हो ही जाएगा, लेकिन अभी ऊपर जाके पता चलेगा कि ठंड ज़्यादा होगी या कम होगी, लेकिन पता नहीं, बहुत ठंड लग रही है। That's crazy. हमने तो सुना था कि एक बलून में शायद 6 लोग बैठते हैं लेकिन यहाँ पे तो अरे भाई डरा क्यों रहे हो मुझे? लेकिन यहाँ पे तो तकरीबन 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस साइड पे है और 10 उस साइड पे, तकरीबन 20 लोग बैठ चुके।
उनका कहना है कि आप लैंडिंग के दौरान नहीं उतर सकते, आपके पास दो ऑप्शन है उतरने के, या तो आप अभी उतर सकते हैं या फिर जब ये फ्लाई कर जाएगा तो ऊपर से आप उतर सकते हैं। मुझे कोई मसला तंग है वो ऊपर से उतर। जब भी मैं बोलने लगता हूँ ये शुरू कर देता है अपना काम। लोगों ने टेक ऑफ कर लिए, अब हैप्पीली लैंडिंग भी हो जाए इंशाल्लाह। हमारे वाले बलून की शायद सबसे ज़्यादा स्पीड है क्योंकि ये सबसे जल्दी ऊपर जा रहा है। अगर सच बात बताऊँ तो मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ये नज़ारा देख के कोई डर नहीं है, सारा डर उतर गया। और नो डाउट दिस इज़ द बेस्ट सनराइज अभी तक जो हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में देखा है, राइट कमल तुमने? yes, और ये बेस्ट टूर है हमारा जिसमें हाँ, और बेस्ट टूर है जिसमें हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा व्यू भी हम लोगों ने ऊपर से इंजॉय किया। अभी हम लोग लैंड करने जा रहे हैं क्योंकि ये जो फ्लाई टाइम होता है इनका ये 45 मिनट से लेकर एक घंटे का होता है, लेकिन हम लोग लैंड किसी और जगह पे करेंगे क्योंकि जहाँ से ये लोग टेक ऑफ करते हैं वहाँ पे लैंड नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हॉट बलून होता है ये हवा के साथ साथ चलता है, जहाँ पे हवा लेके जा रही होती है ये वहाँ चलता जाता है। अब देखते हैं लैंड कहाँ पे करेंगे हम लोग। अभी जितने भी बलून आपको आसमान में नज़र आ रहे थे सारे बलून लैंड कर रहे हैं, ऐसे ही हमारा बलून भी लैंड करने लगा है। अपने बलून की लैंडिंग तो शायद मैं आपको ना दिखा पाऊँ, लेकिन दूसरे जो लैंड कर रहे हैं वो दिखा देता हूँ क्योंकि हम लोगों ने पकड़ के बैठने जब लैंड करने लगेगा। जैसे ये बलून लैंड कर रहे हैं ना, ये वाला बलून लैंड कर रहा है गाड़ी के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही हमारा भी बलून लैंड करेगा गाड़ी के ऊपर। हम लोग लैंड कर चुके हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेल डन कैप्टन, यू आर अमेजिंग। ये शेख कहता मेरा अब्बा भी कैप्टन था, मैंने कहा कौन था, कहता भंगड़े का। कोई नहीं था, मैं ही था। अभी हमारा बलून नीचे आएगा। अच्छा, लैंडिंग के बाद जो बलून वाली हमारी कंपनी है उन्होंने कहा जनाब तोहफा कबूल करें, और तोहफा क्या है? जश्न करेंगे ये, लेकिन हमने कहा सॉरी हम लोग नहीं पीते बिकॉज वी आर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। Is it non-alcoholic? Non-alcoholic. Okay. Apple juice. Thank you. Oh, ये तो non-alcoholic है। Oh, great. Cheers. अब तो हमारा बनता है यार। Cheers. Non-alcoholic तो पिएंगे। Cheers. Now it's time to go back. Bye bye.